हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कौशिक एंड टेक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा लिनोवो केजीनोट पे कैसे कस्टम रोम को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। तो इस रोम का नाम है डार्कनेस रीडिफाइंड। ये रोम एंड्रॉयड वर्जन 7.1.2 यानी कि नोगाट के ऊपर है एंड लाइनेज ओएस बेस्ड है। तो एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद इसके सिस्टम को आप फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो। एंड इस रोम में कुछ बग्स भी है, जैसे कि तो पहली बार वाईफाई कनेक्ट करने के बाद अगर आप नेक्स्ट में कनेक्टेड करना चाहते हो तो आपको जाके मैनुअली कनेक्ट करना पड़ता है। एंड कभी कभी कुछ ऐप्स जो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप्ड हो जाते हैं। एंड इस रोम को फ्लैश करने के लिए आपके फ़ोन में TWRP रिकवरी होना ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना इसे सक्सेसफुली रन कराने के लिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो इस रोम को डाउनलोड करने के लिए पहले तो आप किसी भी ब्राउज़र पे चले जाइए। देन आपको XDA की इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से इसको ओपन कर सकते हो। तो वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस रोम का वर्जन है 7.1.2.17। देन स्क्रॉल डाउन कीजिए तो यहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिल जाएगा इस रोम के। तो डाउनलोड के सेक्शन पर जो आपको दिख रहा है रोम टेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको इसकी रोम फाइल को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए स्टार्ट डाउनलोड पे। इसके बाद आप प्राइमरी डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, देन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इसको डाउनलोड करने के बाद देन आप आगे वाले पेज पे चले जाइए। तो ऐसे आप अपने फ़ोन के लिए जी एप्स डाउनलोड कर लीजिए, जैसे कि प्लेटफॉर्म होगा M64 एंड एंड्रॉयड 7.1 पे क्लिक कीजिए। एंड आप किसी भी एक पैकेज को सिलेक्ट कर लीजिए, देन इसके बाद डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। तो इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड करने के बाद किसी भी एक स्टोरेज पे प्लेस कर दीजिए, देन इसको क्लोज कीजिए। एंड इसके बाद आप अपने फ़ोन को रिबूट कीजिए TWRP रिकवरी पे। तो रिकवरी ओपन हो जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने करेंट सिस्टम का बैकअप कर लीजिए बैकअप पे क्लिक करके, ताकि अगर इंस्टॉल करते वक्त एरर या कुछ भी हो जाए तो बाद में आप उसको रिस्टोर कर सकें। देन आपको वाईपी सेक्शन पे जाना है एंड इसके बाद एडवांस वाइप। तो यहाँ से आपको डेल्बी कैश सिस्टम कैश डाटा है, इन चारों ऑप्शन को इनेबल करना है। देन इसके बाद फ्लैश कर दीजिए। तो इसको फ्लैश करने के बाद आपका सिस्टम जो है वो फॉर्मेट हो जाएगा एंड अभी आप कस्टम रोम को इंस्टॉल कर सकते हो। देन इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए एंड स्टोरेज सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें रोम है। देन आप उस रोम को सिलेक्ट कर लीजिए। तो रोम को सिलेक्ट करने के बाद उसको फ्लैश कर दीजिए स्वाइप करके। एंड इसके बाद 5 से 10 मिनट तक वेट कीजिए, ये सक्सेसफुली हो जाएगा। तो रोम फ्लैश हो जाने के बाद देन आप बैक कीजिए एंड आपको यहाँ से जी एप्स को फ्लैश करना है। तो जी एप्स पर क्लिक कीजिए, देन इसको भी फ्लैश कर दीजिए। तो फ्लैश कंप्लीट हो जाने के बाद देन आप वाइप कैश एंड डेल्बी कैश कर दीजिए। एंड इसके बाद आप अपने फ़ोन को रिबूट कीजिए, पावर बटन को प्रेस करके रखिए, रिबूट हो जाएगा। तो रिबूट हो जाने के बाद अभी आप इस रोम को यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी बताना है तो कमेंट कीजिए, और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साइड पर जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।